का दिन हो, सात पुष्प, कितने फूल, सात पुष्प। देव दीपावली के दिन कोई भी सात पुष्प, कोई भी जो तुमको मिल जाए, सात पुष्प अपने घर के पास में, घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहां तुम पानी भर कर रखते हो, सातों पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंडे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर सात घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित कर सातों दीप की पूजन करिए। और पूजन कर वो सात पुष्प जब दीप ठंडे हो जाएं, पूर्ण तरह से आनंद के साथ सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन सातों पुष्प को दिन भर में से कभी भी देव अधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे से मतलब है शंकर के ऊपर, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे वो सातों पुष्प को अपनी कामना कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रखने के बाद एक पुष्प उसमें से वापिस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए, उसको अपने पास में रख कर देखना, अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार भरा, खाली नहीं रखा। तो सात पुष्प, सात दीप, सुख देने वाली देव दीपावली का वर्णन कल की कार्तिक की पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति किसी जलाशय पर, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जहां भी जलाशय हो उस तट पर जाकर दीप लगाएगा तो उसने जो तीन दिन दान करा है उसका पुण्य उसके खाते में लाख गुना होकर चला जाएगा। लोग इसको देव दीपावली कहते हैं क्योंकि वो पुण्य लक्ष्मी जी छुड़ा कर लाई थी, और इतनी दीप उत्सव मनाया गया था लक्ष्मी जी के लिए कि वाह रे लक्ष्मी वाह, तूने जगत का कल्याण कर, तूने जगत का उद्धार कर दिया। इसलिए दीपावली से ज्यादा महत्व देव दीपावली का, कार्तिक पूर्णिमा का। धनतेरस, रूप चौदस, दिवाली पे तुमने कितनी भी पूजन करी हो, कितना भी दिया लगाया, पर उसका जो पुण्य है तुम्हें मिलेगा तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मिलेगा, जब तुम दीप दान करने किसी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, तालाब पर पहुंचोगे। वहां नहीं जाओगे तो पीपल के पेड़ के नीचे, वहां नहीं जाओ तो आंवले के पेड़ के नीचे, पर वहां दिया दान होना चाहिए। और कई लोगों का नियम है साहब, आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान करते, दीप दान, पर दीप दान का भी लोगों ने गलत एक तरीका निकाल लिया हमारा, दीप दान का भी गलत तरीका निकाल। दीप दान कहां होता है? नदी, तालाब, सरोवर, कुंड, बावड़ी, कुआं, जहां पानी होता है उसके घाट पर। पर लोग दिया दान कैसा करते हैं? सारी फुलझड़ी, फटाका, मिठाई का डब्बा, इनका जो खाली खाली डब्बा बच जाता है खुद तो खा जाती, और जो बचा हुआ खाली डब्बा होता है उसको इकट्ठा कर करके रख लेती, फिर घर में आ। चावल का एक आखा दाना, आखा दाना जानते हो, पूरा खंडी चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर रख दीजिए, और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली, चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए।
अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी पर एक लोटा पानी एक जल पत्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। अगली शरद पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही दे।